विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में 9 दिन से चल रहे गुप्त नवरात्रों का विधिवत समापन हो गया। मंदिर परिसर में SDM अंकुश शर्मा व मंदिर अधिकारी विशन दास शर्मा व पुजारी वर्ग ने हवन पूजा का आयोजन किया। उसके साथ मंदिर न्यास सदस्य पुजारी व आचार्य मधुसूदन शर्मा व प्रशांत शर्मा ने विधिवत मंत्रोच्चारण से आहुतियाँ डलवाई। न्यास सदस्य कर्मचारी व शहर के प्रबुद्ध लोग भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सैकड़ों भक्तों ने पुण्याहुति डालकर पुण्य फल प्राप्त किया। पुजारी मधुसूदन, शुभम, राहुल, सौरभ, गौरव, प्रशांत ने बताया कि इस धार्मिक अनुष्ठान में प्रबुद्ध ब्राह्मणों व पुजारियों ने लगातार 9 दिन तक जप व पाठ किया। उन्होंने कहा कि माँ की महिमा, माँ के आशीर्वाद से विश्व में शांति व जन कल्याण की भावना लोगों में हो, इसी उद्देश्य की कामना के लिए पिछले कई वर्षों से ये अनुष्ठान हो रहा है। 9 दिन तक चलने वाले इन गुप्त नवरात्रों के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। पुजारी अविनेत्र ने कहा कि विश्व शांति व जन कल्याण के लिए पुजारी महासभा मंदिर न्यास के सहयोग से इस आयोजन को सदियों से करती चली आ रही है। विश्व शांति व जन कल्याण के लिए मुख्य नवरात्र के अलावा 2 बार साल में गुप्त नवरात्र का आयोजन किया जाता है। पूजा अर्चना और हवन करवा के किया गया है। मैं माता रानी से ही प्रार्थना करूंगा कि माता रानी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कांगड़ा से विभूष शर्मा की रिपोर्ट। विश्वास जिम्मेदारी का, यकीन एक नई शुरुआत का, शुरुआत एक नए एहसास की, एहसास सुकून का, अपनेपन का। नए रिश्तों वाली फीलिंग बयां नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, नए रिश्तों की शुरुआत नाउ इन सोलन एंड शिमला। टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।